शहर की एक नरसिंहपुर, फिर उठा घटिया निर्माण और अन्नदाता के पेमेंट का मुद्दा। आज अन्नदाता परेशान है, शुगर मिल से लेकर भवंतर तक उसे पैसा प्राप्त नहीं हुआ। वहीं घटिया निर्माण को लेकर लोगों में दिखा आक्रोश। वहीं इंजीनियर होंगे निलंबित, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा। प्रभारी मंत्री, लोक निर्माण मंत्री मध्य प्रदेश शासन रामपाल सिंह के दिखे सख्त तेवर। उन्होंने पत्रकारों को आश्वासन दिया कि जल्द जांच की जाएगी इस रोड की। अगर कोई दोषी होगा तो बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि आम जनता इस रोड को लेकर कई बार शिकायत कर चुकी है। नरसिंहपुर से मंजीत की रिपोर्ट। ज्यादा समाचार देखने के लिए नीचे दिए हुए लाल रंग के बटन को सब्सक्राइब करें। कोई समझौता नहीं होगा, और यहाँ हमने तय कर लिया एजेंसी जो काम कर रही है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करते, काली सूची में नाम डाल रहे। लगभग 250 लोगों के नाम अभी तक डाल चुके हैं। और फिर वो जो इंजीनियर जिनकी देखरेख में सड़क बन रही है उसमें कोई कमी आती है, उनके खिलाफ भी लगभग 350 ऐसे हमारे कर्मचारी भी है जिनकी देखरेख में सड़क बन रही है, उन्होंने कार्रवाई की है। यहाँ भी जो आपने बताया सड़क का उल्लेख किया है, इसकी जांच के लिए हमने अधिकारियों को निर्देश दिए, जांच करके रिपोर्ट देंगे। कोई गड़बड़ी होगी किसानों की आपने बात की, लेकिन अभी भी किसान भटक रहा है। उस पर फैक्ट्री बंद है, सील हो गई है, सील तो नहीं हुई, लेकिन आदमी परेशान तो हो रहा है ना। मिल कहाँ रहा भुगतान किसानों के लिए? जो योजना सरकार की विगत वर्ष जो गेहूँ बेचा था उसका हमने मुख्यमंत्री जी राशि जारी कर रहे हैं। किसानों के हित में जो निर्णय लिए हैं अद्भुत निर्णय सरकार के, मध्य प्रदेश सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी के, किसानों के हित में जो निर्णय लिए हैं उनका लाभ किसानों को पूरा मिल रहा है। किसानों से चर्चा भी आज हुई, किसान प्रतिनिधि मिले भी, कई चीज़ों में हमने बड़ा खुशी जाहिर करके हमको प्रसन्नता व्यक्त की कि अच्छे काम हुए। पेमेंट की, गन्ने के पेमेंट की उनने बात कही है, उसका भी हमने आज निर्देश जारी कर दिए कि समय पर उनको पेमेंट।